तो दोस्तों हमारे इस चैनल पे जितने भी किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं उनमें से करीब 70% किसान भाई ऐसे हैं जिनकी तरबूज और सब्जियों की फसलें फिलहाल फ्लोरिंग स्टेज में हैं, क्योंकि वो सारी फसलें नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह में लग चुकी थी। और दोस्तों जब हमारी तरबूज और सब्जियों की फसलें फल और फूल की अवस्था में आती हैं तो इस समय पे फसलों को खाद, उर्वरक और पोषक तत्वों की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद में फ्रूटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ती है, समय जैसे जैसे निकलता है, वैसे वैसे खाद, उर्वरक और पोषक तत्वों की डिमांड भी और ज़्यादा बढ़ती है, फसलों में और ज़्यादा आवश्यकता होती है इन खाद, उर्वरक और पोषक तत्वों की। लेकिन इस स्टेज में खाद, उर्वरक और पोषक तत्वों का मैनेजमेंट भी हमारा काफी सही होना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज में अगर हम गलत खाद उर्वरक डालते हैं या जो खाद, उर्वरक और जो पोषक तत्व हमें इस स्टेज में डालने होते हैं वो खाद, उर्वरक अगर समय पे हम नहीं डालते हैं तो हमें उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा, फल फूल भी काफ़ी कम देखने को मिलेंगे और उत्पादन हमारा काफ़ी ज़्यादा डाउन रह सकता है। कहने का मतलब है कि हमारा जो उत्पादन है वो पूरा का पूरा इस समय पे डाले जाने वाले खाद, उर्वरक और पोषक तत्वों पे डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों इस स्टेज में फसलें आने के बाद ज़्यादातर किसान भाई क्या गलती करते हैं, हरे के चक्कर में या फिर बढ़वार के चक्कर में, हरापन के चक्कर में, मतलब जो नाइट्रोजन धारी खाद होती है, जो यूरिया वगैरह होती है उनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं, या एनपीके 19:19 की काफ़ी बार बार फर्टिगेशन करते हैं, या ज़्यादा खुराक रखते हैं, या फिर जो ग्रोथ वाले खाद उर्वरक होते हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस स्टेज में इन खाद उर्वरकों का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा गलत है। मतलब कि जब हमारी सब्जियों की फसलें फल और फूल की अवस्था में आ जाती हैं तो इस स्टेज में हमें नाइट्रोजन धारी जो खाद होती हैं उनको कम से कम या ना के बराबर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो खाद उर्वरक, अगर हम इस तरह की खाद उर्वरक ज़्यादा डालेंगे तो इसमें आपको हरापन तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, बढ़वार भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन आपको सिर्फ सिंगल ब्रांच मिलेगी, सिर्फ सिंगल टहनियाँ मिलेंगी जिसमें आपको सिर्फ सिंगल फल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर इसी स्टेज में अगर आप कुछ ऐसे खाद उर्वरक जो मैं आपको बताऊँगा उनका अगर आप सिलेक्शन करेंगे इस स्टेज में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज देखने को मिलेंगी, एक से अधिक ब्रांचेज देखने को मिलेंगी, तो एक से अधिक आपको फल भी देखने को मिलेंगे, फल फूल अगर ज़्यादा देखने को मिलेंगे तो उत्पादन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस स्टेज में आपको कौन कौन से खाद उर्वरक डालने चाहिए, तो दोस्तों इन सभी फसलों में अब आपको क्या करना है, ऐसे खाद उर्वरक डालने से बचना है जो बढ़वार वाली जो खाद उर्वरक होती है, जो नाइट्रोजन वगैरह का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उनका इस्तेमाल आपको बिल्कुल कम या बंद कर देना चाहिए। बढ़वार के चक्कर में अब आपको नहीं रहना है, अब आपको ग्रोथ के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि अब जो फसलें बढ़वार करेंगे या ज़्यादा बढ़वार अगर इस समय पे आप अपनी फसलों की करवाओगे तो उससे आपको उत्पादन ज़्यादा नहीं मिलेगा, हरापन आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है या बढ़वार आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है, तो लेकिन बढ़वार पर उत्पादन डिपेंड नहीं करता है। इस समय पर आपको ऐसे खाद उर्वरक डालने चाहिए जिससे ब्रांच ज़्यादा से ज़्यादा निकले, बढ़वार आपकी होती रहेगी फसल की, जो खाद उर्वरक आपने बेसल डोज में डाले हैं और जो खाद उर्वरक आपने शुरुआती स्टेज में डाल दिए ग्रोथ के लिए उनसे आपकी फसल की जो बढ़वार है वो होती रहेगी। फिलहाल हमें ऐसी खाद उर्वरकों का सिलेक्शन करना चाहिए जिससे ब्रांचेज ज़्यादा से ज़्यादा निकले, फल फूल आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले, फ्रूट सेट अच्छे से हो और उसके बाद में फलों का वजन बढ़ने में सहायक हो ऐसे खाद उर्वरक, या फलों का विकास अच्छे से हो, फलों की क्वालिटी काफ़ी शानदार हो, इस तरह के खाद उर्वरकों का मैनेजमेंट आपको इस अवस्था में करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो भी खाद उर्वरक और पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दूंगा इस स्टेज में, फ्लोरिंग स्टेज में, वो आप अपनी तरबूज की फसल के साथ साथ सभी प्रकार की सब्जियों में अप्लाई कर सकते हैं फल और फूल की अवस्था में। तो जैसे ही आपकी तरबूज की फसलें या फिर सब्जियों की फसलें फल फूल की अवस्था में आती है उस समय पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फास्फोरस तत्व की, ये आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस स्टेज में। इस स्टेज में फास्फोरस डालने से क्या होगा, जड़ों का विकास और अच्छे से होगा, ब्रांचेज आपको और ज़्यादा देखने को मिलेंगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्रांचेज देखने को मिलेंगी, और अगर ब्रांचेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगी तो फल फूल भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, और जब फल फूल ज़्यादा होंगे तो आपको और ज़्यादा खाद उर्वरक और माइक्रोन्यूट्रेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि भाई फल फूल बढ़ेंगे, फल अगर बढ़ेंगे आपके प्लांट में तो उसमें खाद उर्वरकों की और ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो फास्फोरस की बात की जाए तो सबसे पहले इस स्टेज में आपको एनपीके 12:61:0 का आप एक फर्टिगेशन कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन की सहायता से दे सकते हैं, और जो किसान भाई ड्रिप इरिगेशन नहीं रखते हैं वो स्प्रे से भी दे सकते हैं। खुराक की बात की जाए तो इसकी 3 kg पर एकड़ के हिसाब से आप खुराक रख लीजिए, और एक बार में नहीं देकर दो बार में देंगे तो वो अच्छा रहेगा, 1.5 kg आप दो बार फर्टिगेशन कर दीजिए, 3-3 या 4-4 या फिर मैक्सिमम 7 दिन का आप गैप रख लीजिए और दो फर्टिगेशन एनपीके
12:61:0 का कर दीजिए, जिसमें 61% फास्फोरस होता है, 12% नाइट्रोजन होता है। बाकी इसमें इस स्टेज में ये खाद उर्वरक काफी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों एनपीके 12:61:0 जो किसान भाई स्प्रे से देना चाहे तो इसकी खुराक स्प्रे में आप जो है 80 से लेकर 100 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से रख के आप इसका स्प्रे भी निकाल सकते हैं। ये खाद उर्वरक आपकी फसलों की इस स्टेज में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे फल फूल भी बढ़ेंगे, ब्रांचेज भी बढ़ेंगी और जड़ों का विकास भी बढ़ेगा। इसके बाद में ये खाद उर्वरक देने के 6 से 7 दिन बाद में यहाँ पर एक आपको पोषक तत्व भी लेना है, जिसके लिए आप जिब्रेलिक एसिड जो होता है 0.001% ये आप ले लीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फसलों की इस स्टेज में, और इसका मैं कई बार इस्तेमाल कर चुका हूं, हर बार इस्तेमाल करता हूं, काफी शानदार रिजल्ट है। इसके लिए आप सुमिटोमो कंपनी की हुसी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जिब्रेलिक एसिड 0.001% होता है। फल फूल की अवस्था में यह खाद काफी ज्यादा जरूरी है और काफी अच्छे तरीके से काम करती है। इसकी खुराक की बात की जाए दोस्तों तो लगभग 25 से 30 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करें। फसल में एक बार इस्तेमाल करना है, एक बार से आपका काम चल जाएगा, दोबारा आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, काफी शानदार रिजल्ट मिलेंगे। तो यह भी आपको डालना काफी ज्यादा जरूरी है फल फूल की अवस्था में। उसके बाद में बोरोन और कैल्शियम का फर्टिगेशन या स्प्रे भी इस स्टेज में काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फल फूल बढ़ेंगे, आपने फास्फोरस दिया, उसके बाद में ब्रांचेज बढ़ेंगी, फल फूल बढ़ेंगे, फ्रूट सेट होने लग जाएंगे, तो उसके बाद में और ज्यादा खाद उर्वरक और पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी। मतलब फल फूल ड्रॉप ना हो, फलों की क्वालिटी अच्छी हो, कई बार फल फटने वगैरह की समस्या आ जाती है, इस तरह की समस्या भी आपको देखने को ना मिले, फलों की साइज भी अच्छी हो, इसके लिए कैल्शियम 5 से 6 kg कैल्शियम नाइट्रेट आप ले लीजिए प्रति एकड़ के हिसाब से, ड्रिप इरिगेशन की सहायता से दे दीजिए, और लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है बोरोन ले लीजिए, वो भी आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से दे सकते हैं, दोनों को एक साथ फर्टिगेशन कर सकते हैं या फिर आप स्प्रे से भी दे सकते हैं। तो आपने फास्फोरस डाल दिया, जिब्रेलिक एसिड डाल दिया और उसके बाद में कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन डाल दिया। अब आपके प्लांट को जरूरत पड़ेगी पोटेशियम की, क्योंकि पोटेशियम की भी इस अवस्था में आपकी फसलों को काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि इससे आपके फलों की क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट होता है, यानी कि आपको काफी अच्छी क्वालिटी के फल मिलेंगे, फलों में चमक आएगी, जिससे मंडी रेट आपको काफी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि फलों की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो आपको मंडी भाव भी अच्छे नहीं मिलेंगे, डिमांड मंडियों में उनकी अच्छी ज्यादा नहीं रहेगी और फलों की साइज भी बढ़ेगी अगर आप पोटेशियम का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब है फलों की क्वालिटी अगर आपको अच्छी लेनी है, फलों की साइज अगर आपको अच्छी लेनी है, तो इस स्टेज के बाद में आपको पोटेशियम का इस्तेमाल भी करना है। इसके लिए कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन देने के बाद में लगभग 6 से 7 दिन बाद में आपको जो है अगला फर्टिगेशन करना है, और इस फर्टिगेशन में आपको लेना है एनपीके 0:52:34, जिसमें 52% फास्फोरस होता है और 34% इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है। 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से खुराक रखें और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से चढ़ा दें, स्प्रे भी दे सकते हैं। 80 से 100 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से स्प्रे करना चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं, बाकी ड्रिप इरिगेशन से देंगे तो वो और ज्यादा सही रहेगा। 3 kg पर एकड़ के हिसाब से एनपीके 0:52:34 हो गया। इसके बाद में अगला फर्टिगेशन एक और लेना है, जिसमें आप ले सकते हैं 13:045, यहां पर 45% इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है, 13% इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, फास्फोरस की मात्रा इसमें नहीं होती है, क्योंकि फास्फोरस पहले भी हम काफी ज्यादा दे चुके हैं। तो इस समय पे हम 13:045 का फर्टिगेशन करेंगे, जो कि आपकी तरबूज और बाकी सब्जियों की फसल में इस स्टेज में काफी ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों एनपीके 13:045 की खुराक की बात की जाए तो लगभग 3 kg पर एकड़ के हिसाब से ही आपको इसकी खुराक रखनी है एनपीके 13:045 की, और जो स्प्रे से देना चाहे तो स्प्रे में भी आपको इसकी सेमी खुराक रखनी है, मतलब 80 से लेकर 100 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से ये आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद में अगले फर्टिगेशन की बात करें, यानी कि 13:045 देने के बाद में अगला जो फर्टिगेशन आपको लेना होता है वो लेना होता है एनपीके 0:050 का, और ये फर्टिगेशन भी आपकी तरबूज और बाकी सब्जियों की फसलों में काफी ज्यादा जरूरी है, जिसमें 50% पोटेशियम की मात्रा होती है, और इसकी वजह से आपके तरबूज की जो साइज होगी वो आपको काफी जोरदार देखने को मिल जाएगी, यानी कि आपके फलों की जो साइज होगी वो काफी शानदार हो जाएगी और फलों की क्वालिटी भी आपकी काफी ज्यादा शानदार हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहां पर ये जो फर्टिगेशन मैंने बताया है उनमें एक सावधानी आपको और रखनी है, इसमें नए किसान भाई काफी ज्यादा गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से तरबूज की फसल में
काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, टमाटर वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। मतलब हम इतने ज़्यादा फर्टिगेशन तो कर देते हैं, यानी कि फास्फोरस भी टाइम पे दे देते हैं, पोटेशियम के भी दो तीन फर्टिगेशन वगैरह कर देते हैं, लेकिन वहीं पर बोरोन का फर्टिगेशन या स्प्रे जो है वो मिस कर देते हैं। अगर ये फर्टिगेशन आपने कर दिया, पोटेशियम वगैरह बराबर आपने डाल दिया, यानी कि 13-0-45 आपने डाल दिया, 0-52-34 आपने डाल दिया, NPK 0-0-50 आपने डाल दिया, और ऐसी कंडीशन में अगर बोरोन की डेफिशिएंसी आपके प्लांट में रह गई तो आपके फलों में फटने की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, काफ़ी ज़्यादा फल आपके खराब हो सकते हैं। तो बोरोन का फर्टिगेशन या स्प्रे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था, यानी कि 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से खुराक रख के बोरोन का फर्टिगेशन आपकी फसलों में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़रूरत होने पर बोरोन का एक आध फर्टिगेशन आप और भी ले सकते हैं, लेकिन 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से फ्रूटिंग अवस्था के दौरान अगर आप फर्टिगेशन ले लेंगे, अगर आपकी जमीन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा डेफिशिएंसी नहीं है तो दूसरा फर्टिगेशन आपको बोरोन का नहीं करना पड़ेगा। ये सारे फर्टिगेशन और स्प्रे आपको अपनी तरबूज और सभी सब्जियों में कर देने हैं। फल फूल शुरू होने के बाद में आपको जितने भी फर्टिगेशन और स्प्रे करने हैं वो मैंने आपको बताया। आप में से काफी किसान भाई कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर फल फूल की अवस्था में फल फूल ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए, फल ड्रॉपिंग होने की जो समस्या होती है उससे बचने के लिए, या फूल ड्रॉपिंग की जो समस्या होती है उससे बचने के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल के लिए हमें कौन कौन से खाद डालने चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया कि 12:61:0 आप डाल दीजिए। उसके बाद में फल फूल की अवस्था में सबसे अच्छा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो मैंने आपको बताया, तो जिब्रेलिक एसिड 0.001% बताया है वो आप डाल दीजिए, सबसे अच्छा काम करेगा और सबसे शानदार रिजल्ट है। मतलब फल फूल की अवस्था में फल और फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए रामबाण का काम करेगा। काफ़ी ज़्यादा बार मैं इसका इस्तेमाल कर चुका हूँ और हर बार मैं इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ तक कि अपने चने की फसल में भी मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, चने की फसल में भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। आप चाहे किसी भी कंपनी का ले लीजिए, बार बार आपको बता रहा हूँ इसलिए आप ये ना समझे कि मैं किसी कंपनी का प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ कंटेंट बता रहा हूँ। 0.001% जिब्रेलिक एसिड, बाकी आप किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं, लेकिन जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फल और फूलों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी फल फूल की अवस्था में, चाहे आप तरबूज की फसल में इस्तेमाल करें या फिर किसी भी तरह की सब्जियों की फसलों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर, मिर्ची, बाकी आपकी बेल वर्गीय जितनी भी सब्जियां हैं, तरबूज, खरबूजा, इस तरह की तमाम प्रकार की आप सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि मैं अपनी चने की फसल में भी इसको इस्तेमाल करता हूँ, इसमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। बाकी जो भी खाद उर्वरक मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, जो समय मैंने आपको बताया है, जो अवस्थाएं आपको बताई हैं, उसी अवस्था में जो मात्राएं आपको बताई हैं उस हिसाब से ये सारे फर्टिगेशन और स्प्रे अगर आप अपनी सब्जियों और तरबूज की फसल में करेंगे तो काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन आपको अपनी फसलों से देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो बाकी किसान भाइयों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।